तुलसी कहाँ जाने को मना करते हैं? जहाँ हमें देखकर खुशी न दिखाई दे, जहाँ ज्यादा धन न हो, जहाँ बड़ा घर न हो या जहाँ प्यार न हो। तो आंसर इज जहाँ हमें देखकर खुशी न दिखाई दे। रहीम के अनुसार उत्तम प्रकृति के इंसान को क्या नहीं करना चाहिए? कुसंग, चोरी, लालच या दंगा? तो कुसंग। कबीर जी बाजार में खड़े रहकर क्या मांग रहे हैं? सबका ज्ञान, सबकी कुशलता, सबका धन या सबका प्यार? तो सबकी कुशलता। मांगने वाले इंसान से पहले ही कौन मरा हुआ माना जाता है? जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो मांगता है और जो मांगने को मना करता है। तो आंसर इज जो मांगने वाले को मना करते हैं। कबीर जी अपने आंगन में कौन भूखा न जाए ऐसा चाहते हैं? पशु, साधु, राजा या गरीब? साधु। तुलसी के अनुसार हमें विद्या कैसे मिलती है? अनुभव से, मेहनत करने पर, पैसा खर्च करने पर या बल से? मेहनत करने पर। बिना विचारे जो काम करते हैं उसके साथ क्या होता है? जग में हंसाई होती है, जग में वाही वाही वाह वाही होती है, जग में वाह वाही होती है, जग में इज्जत बढ़ती है या जग में प्यार बढ़ता है? तो आंसर इज जग में हंसाई होती है। कबीर जी के अनुसार कौन पछताता है? जो चुप रहता है, जो ज़्यादा बोलता है, जो ज़्यादा सोचता है या जो बिना विचारे कार्य करता है? तो आंसर इज जो बिना विचारे कार्य करता है। उत्तम प्रकृति के मनुष्य के लिए रहीम किसका उदाहरण देता है? समंदर और नदी का, चंदन वृक्ष और सांप का, जमीन और आसमान का, छुरी और कील का? तो चंदन वृक्ष और सांप का। बड़े लोग अपनी बड़ाई खुद नहीं करते, ये समझाने पर रहीम क्या उदाहरण देते हैं? तो ज्ञानी अपने ज्ञान के बारे में खुद नहीं बताता, शेर अपनी शक्ति के बारे में नहीं बताता, हाथी अपने बल के बारे में नहीं बताता, हीरा खुद अपना मोल नहीं बताता। तो आंसर इज हीरा खुद अपना मोल नहीं बताता। रहीम के अनुसार बड़े लोग की क्या विशेषता है? वे बड़े दानी होते हैं, वे बड़े ज्ञानी होते हैं, वे खुद अपनी बड़ाई नहीं करते या वे गरीबों की मदद करते हैं? तो वे खुद अपनी बड़ाई नहीं करते। कबीर जी अपने दोहे में कितना मांगते हैं? पूरा परिवार संतुष्ट हो, पूरी दुनिया खुश हो, सिर्फ वे खुद खुश रहे या सारा संसार खुश हो? पूरा परिवार संतुष्ट हो। रहीम के अनुसार कौन सा इंसान मरा हुआ है? जो चोरी करता है, जो झूठ बोलता है, जो किसी से कुछ मांगता है या जो डरता है? आंसर इज जो किसी से कुछ मांगता है। इंसान कैसे अपना काम बिगाड़ता है? चुप रहकर, आलस करके, बिना विचारे काम करके या ज़्यादा बोलकर? तो आंसर इज बिना विचारे काम करके।